नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सिंपल लिविंग में। दोस्तों ये देखिए, ये जो प्लांटर मैंने खरीदा था, वर्टिकल प्लांटर है, ये 3 in 1 है। तीन है ये, तीन प्लांटर्स हैं, ये एक के अंदर एक है। इसको जब मैंने खरीदा था तब मैंने इसका वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। और जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों कि मेरा जो ये ग्राउंड फ्लोर वाली जो जगह है, यहाँ पे धूप नहीं आती है, मतलब सनलाइट डायरेक्ट नहीं आती है, इस तरीके से ये रोशनी रहती है। तो मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से इस प्लांटर को तैयार किया है। मैं आपके साथ आज यही सब शेयर कर रही हूँ, तो ये देखिए। और हाँ दोस्तों, ये वाला जो आप प्लांटर मनी प्लांट देख रहे हैं ना, ये जैसे मैंने लगाया है, ये मैंने एक एक पत्ती से, मतलब सिंगल लीव से इसको तैयार किया था, सिंगल लीव की कटिंग से, उसका भी वीडियो बनाया था मैंने। तो मैंने जो ये दो वीडियो बनाए थे, मैंने दोनों का लिंक शेयर कर दूंगी। और बाकी दोस्तों ये सब जो है, जैसे कि ये स्पाइडर प्लांट है, ये भी मैंने खरीदा था, इसका शॉपिंग भी आपको दिखाई थी, तो लेकिन इसका वीडियो नहीं बनाया है मैंने। इसको यहाँ पे एक यहाँ पे लगा दिया, और दूसरा और भी ये देखिए, ये इसमें ही मैंने ऐसे था, मिला था छोटा सा, और देखिए मैंने इसको लगा दिया यहाँ पे, और ये कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है, कितना हेल्दी हो रहा है ये। और इस तरीके से मैंने अपना जो वर्टिकल प्लांटर मैंने खरीदा था, उसको मैंने ऐसे तैयार किया है। और एक तो इसमें मैंने पर्पल हार्ट भी लगा दिया है। पर्पल हार्ट लगाने का मेरा थोड़ा सा मकसद ये था कि येलो में लगाने का, कि थोड़ा सा ये पर्पल कलर इसमें आ जाएगा। हालांकि पर्पल हार्ट जो ये होता है, इसमें इसका कलर निखर के तभी आता है जबकि ये सनलाइट इसको मिलती है, पर्पल हार्ट को, इसके खासियत नहीं, तो ये ऐसे थोड़ा सा हल्का सा ग्रीन ग्रीन सा ही रहता है। इसको जब बहुत तेज धूप मिलती है ना, तब इसका निखर के कलर आता है पर्पल। तो कोई बात नहीं, ऐसा भी नहीं है कि एकदम से ये ग्रीन हो जाएगा। और ये जो नीचे वाला, जो लास्ट वाला जो प्लांटर मैंने रखा है, इसमें मैंने सिगोनियम लगा दिया है। सिगोनियम, ये तो दोस्तों बहुत बढ़िया सा मतलब एयर प्योरीफायर प्लांट तो है ही है। प्लस मैंने ये देखिए, ये तो ऐसे ही जो है ना, टर्टरवाइन, इसको तो आप कहीं भी लगा दो लग जाएगा। तो ये जो सिगोनियम है ना दोस्तों, ये कटिंग से आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो जितने भी प्लांट्स मैंने इसमें लगाए हैं ना, सब बहुत इजीली लग जाते हैं कटिंग से। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देख रहे हैं ना, इसमें से ऐसे रूट जा रही है, एरियल रूट, बस यहाँ से ऐसे कट करिए जैसे कि मनी प्लांट होता है ना वैसे। हालांकि इसमें और भी वैरायटी होती है, मतलब सब में इस तरीके से वाइन की तरीके से नहीं होता ये, बस आप इसको लगा दीजिए। ये जितने आप मेरे इसमें से गनम देख रहे हैं ना, सब इसी तरीके से हैं। कोई मैंने कोई खरीदा नहीं है, एक एक खरीदा है, उसके बाद इतने सारे मैंने सबको डिवाइड कर करके कर करके, और छोटे छोटे प्लांट्स में मैंने ऐसे ये प्लांटर्स में मतलब लगा दिया है। दो वैरायटी हैं इसमें, एक ये थोड़ा सा लाइट कलर है ये, और एक डार्क है, मतलब दो इसमें वैरायटी भी कई आती हैं। जैसे आप बोलोगे कि, एक बार कमेंट आया था कि उसके पत्ते बहुत छोटे होते हैं, तो हाँ दोस्तों इसमें कई शेड्स, एक पिंक वाला भी आता है, तो उसका ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए ये पीछे की ओर लगाया हुआ है, बहुत अच्छा, मुझे ये प्लांटर बहुत अच्छा लगा। मुझे, मैंने पहले सोचा था दोस्तों कि इसमें मैं विंटर फ्लावर्स लगाऊंगी, बहुत खूबसूरत लगेंगे विंटर फ्लावर्स, ऐसे पूरा अलग अलग प्लांटर्स में अलग अलग। मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, आप दोस्तों लगा सकते हैं ऐसे लेके ना, तीनों पॉट में अलग अलग, बहुत बहुत खूबसूरत लगेंगे ये, छोटे छोटे से, चाहे पिटोनिया है, वर्वीना है, बहुत सारे, एक उस तरह से नस्टर्शियम आप लगाना चाहे लगा लें। पर मुझे ना दोस्तों यहाँ के लिए एक चाहिए था, मुझे अपने मतलब यहाँ पे छोटी जगह है ना, थोड़ी सी जगह है ना, तो मुझे यहाँ के लिए चाहिए था, इसलिए मैंने उसको टेरेस पे नहीं रखा, मैंने यहाँ पे ही रखा हुआ है इस तरीके से। तो आपको कैसा लगा दोस्तों, बताइएगा जरूर मेरे प्लांट्स कैसे लगे। हाँ दोस्तों, कई बार कमेंट आ रहा है कि आप बताइए इंडोर प्लांट्स के लिए आप सॉइल कैसे तैयार करती है, एक कमेंट आया था। मैं आपको किसी टाइम वीडियो बना के बता दूंगी कि मैं इनकी कैसे केयर करती हूँ। वाकई में मुझे भी खुद भी देख के लग रहा है कि वाकई में बड़े हेल्दी लग रहे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं, मेरी खुद की नज़र ना लगे, मुझे भी लग रहा है, तो मुझे तो लग रहे हैं, आप भी बताइएगा कैसे लग रहे हैं। तो जो है ये एक चीज़, इसमें एक चीज़ और करनी होती है कि जैसे ये जो प्लांटर्स होते हैं ना,
ये जो भी ये प्लांट्स होते हैं वो हमेशा सनलाइट की तरफ ये ग्रो करते हैं, मतलब बढ़ते हैं, ये उधर ही बढ़ेंगे, जिधर इनको रोशनी बढ़ेगी ना, इधर जैसे दीवार ने पीछे की ओर है तो इधर नहीं बढ़ेंगे। तो अगर आप पूरी तरफ से इनकी ग्रोथ चाहते हो ना, पूरी तरफ से, तो आप थोड़ा सा रोटेट करते रहो अपने पॉट्स को, कंटेनर्स को, है ना, तो वो घूम घूम, इनका नेचर होता है कि ये हमेशा सनलाइट की ओर ही बढ़ते हैं, धूप की ओर ही बढ़ेंगे, अंधेरे की ओर शूट नहीं बढ़ेगी, अंधेरे की ओर रूट जाएगी, रूट्स को जो है वो अंधेरा अच्छा लगता है। तो इस तरीके से ये मैंने तैयार किया, कर लिया, बताइएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा। हाँ, और दोस्तों बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे सभी आने वाले मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, टर्टल वाइन, ये भी खूब बढ़िया से ग्रोथ हो रही है इसकी। चलिए मिलते हैं किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ, बाय।